हमने कल बात की थी विजन की, हमने कल बात की थी गोल की यानी कि लक्ष्य की, और हमने कल बात की थी प्लानिंग की। आज मैं इस सब को आपको ग्लेज पे इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। अगर एक लीडर को ग्लेज की अपॉर्चुनिटी मिली हो, वो उसको किस तरह से देखेगा, मैं वो आपको यहां पर बोर्ड पर दिखाऊंगा। उससे आप अंदाजा लगाएंगे कि लीडर जो होता है वो कैसे कैलकुलेटिव रिस्क लेता है, कैसे वो विजनरी होता है, कैसे वो भविष्य तक झांकता है, और कैसे उस भविष्य के हिसाब से वो अपना लक्ष्य बनाता है, और कैसे वो उस लक्ष्य के हिसाब से अपनी योजना बनाता है, और कैसे फिर वो कभी ना हारने वाले एफर्ट्स करता है और अंततः अपने लक्ष्य को हासिल करता है। ये जर्नी मैं आपके साथ अभी शुरू करूंगा और उसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो जब आपके सामने ग्लेज एक अपॉर्चुनिटी आई, ग्लेज जो आज बात कर रही है एक नई पद्धति की, जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा ग्लेज एक कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट बेचना चाहती है, घर घर तक अपने प्रोडक्ट पहुंचाना चाहती है। तो एक लीडर जब इस अपॉर्चुनिटी को देखेगा तो वो एनालाइज करेगा कि ट्रेडिशनली क्या चल रहा है, और मेरे पास ये जो अवसर आया है ये क्या है, और इस अवसर में क्या पोटेंशियल है, और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट क्या है, उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में मेरे लिए क्या है और ट्रेडिशनल मार्केट में मेरे लिए क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि क्या जो ग्लेज ऑफर कर रही है मैं उसे कर सकता हूँ, और अगर कर सकता हूँ तो किस तरह के चैलेंज हैं, क्या मैं उन चैलेंज को ले सकता हूँ। ये एक लीडर की अंतर्द्वंद की कथा है, मेरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ट्रेडिशनल मार्केट, आप सबको पता है कि ट्रेडिशनल मार्केट क्या होती है, लेकिन मैं फिर भी रिपीट करूंगा, ट्रेडिशनल मार्केट में एक कस्टमर, ट्रेडिशनल मार्केट में एक कस्टमर अपना प्रोडक्ट कहां से खरीदता है, रिटेलर से, और एक रिटेलर वो प्रोडक्ट कहां से लाता है, होलसेलर से, होलसेलर ये सामान कहां से लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से, और डिस्ट्रीब्यूटर ये किससे लाता है, मैन्युफैक्चरर से, ये मैन्युफैक्चरर कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स बताने के लिए विज्ञापन करता है यानी कि एडवर्टीजमेंट करता है, और एक सेल्स टीम भी हायर करता है इस पूरी श्रृंखला को सर्विस करने के लिए, और इन सब की वजह से एक प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरर से 50 रुपए का चलता है वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत लगभग दोगुनी हो जाती है, और ये ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर अप्लाई होता है। ये हमारा ट्रेडिशनल प्लान है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यहां पर हमें किसी को समझना है तो उसका नाम है कस्टमर, क्योंकि ये कस्टमर ही है जो आपके सपने पूरे करने वाला है, क्योंकि हम ये बिजनेस कस्टमर के लिए कर रहे हैं, प्रोडक्ट के यूजर के लिए कर रहे हैं। तो ये कस्टमर ही है जो हम सबका भगवान है, हमारा किंग है, हमारा राजा है, और इसके लिए हमारे मन में ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड मतलब सम्मान होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, आभार होना चाहिए। मैंने कल आपको बोला था कि लीडर जो होता है हर उस व्यक्ति का धन्यवाद करता है जो उसके जीवन को पॉजिटिव वे में हल्का सा भी प्रभावित करता है, गिलहरी का एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको। तो ये तो किंग इसलिए है, ये भगवान इसलिए, ये हल्का सा प्रभावित करने वाला नहीं है, ये हमारा जीवन बदलने वाला है, ये हमारे बच्चों की लाइफ बदलने वाला है, ये हमारे परिवार की लाइफ बदलने वाला है, ये हमारे
सपनों को पूरा करने वाला है, तो इस कस्टमर को शत शत नमन होना चाहिए। ठीक है, आगे चलें। अब हम समझते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान के अंदर जो लोग इस कस्टमर से पैसे कमा रहे हैं वो कौन कौन है। पैसे कमाने वाले लोग हैं एक रिटेलर, एक होलसेलर और एक डिस्ट्रीब्यूटर और एक मैन्युफैक्चरर। ये लोग इस कस्टमर की वजह से पैसे कमाते हैं। सवाल ये है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाता है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन पैसा कब कमाता है उससे पहले हमें यह समझना होगा कि एक कस्टमर की परचेज पावर क्या है। एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, परचेज पावर, और एक वर्ड यूज कर रहा हूं नो योर कस्टमर। ये एक लीडर को मालूम होना चाहिए ज्ञान। हमारे देश में इकोनॉमिकली लोग अलग अलग क्लास में होते हैं, जैसे कि मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय परिवार, लोअर मिडिल क्लास, निम्न वर्गीय परिवार, अपर मिडिल क्लास, उच्च मध्यम वर्गीय परिवार, रिच क्लास, रईस जो होते हैं। इन जो चार क्लास को कोई फाइन लाइन नहीं है डिफाइन करने के लिए कि किसको रिच कहेंगे, लेकिन मोटा माटा समझने के लिए आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि रिच क्लास होती है जो करोड़पति है, बड़े बंगलों में रहती है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती है, जिनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। अगर उन्हें कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाता है तो उसको खरीदते वक्त उन्हें ये नहीं सोचना पड़ता कि इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। उनके मन में होता है पैसे तो है ही, सिर्फ प्रोडक्ट ढूंढना है। वो होती है रिच क्लास। रिच क्लास कौन सी होती है, जिसके पास क्या होता है, जिसके पास, एक वर्ड यूज कर रहा हूं, फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि पैसों की आजादी। पैसों के लिए इन्हें सोचना नहीं पड़ता, इन्हें कोई भी काम करना हो तो इन्हें पैसा कहां से आएगा यह चिंता नहीं होती, उसको रिच क्लास कहते हैं। ठीक, इसके बाद आती है अपर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास में वो लोग आते हैं जिनके पास गाड़ियां होती हैं, लेकिन मीडियोकर लेवल की गाड़ियां होती हैं, अच्छा पैसा होता है, महीने का 2.5 लाख 5 लाख कमाते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ खरीदना हो तो सोचना और विचारना पड़ता है, लेकिन बेसिक नीड का सब कुछ इनके पास होता है। ये लोग यात्राएं भी करते हैं, विदेश यात्राएं भी करते हैं, लेकिन बजट बना के करते हैं। उसे आप कह सकते हैं अपर मिडिल क्लास, यानी कि उच्च मध्यम वर्गीय परिवार। इसके बाद जो तीसरी क्लास आती है वो है मिडिल क्लास। भारत में इस क्लास की बहुत बड़ी तादाद है। मैं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से संबंध रखता था। मिडिल क्लास के लोग 50,000 की, 40,000 की, 60,000 की, 70,000 की नौकरी करते हैं, बड़ी मुश्किल से किश्तों पे कारवार खरीद लेते हैं, शौक पूरे करते हैं मगर बड़ी प्लानिंग के साथ करते हैं, अक्सर हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे होते हैं, तो उसको मिडिल क्लास कहते हैं। विदेश यात्राएं तो नहीं करते, लेकिन भारत में छोटी छोटी जगहों पे ये लोग भी भ्रमण करते हैं, बच्चे मीडियोकर स्कूल में पढ़ते हैं, तो उसको हम मिडिल क्लास कहते हैं। इसके बाद आ जाती है लोअर मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास जो है ये सबसे संघर्ष करने वाली क्लास है, और लोअर मिडिल क्लास के बाद आते हैं पुअर। पुअर मतलब गरीब, जिनके लिए सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ही चैलेंज है, पुअर। लेकिन पहले मैं लोअर मिडिल क्लास की बात कर दूं। लोअर मिडिल क्लास के लोग वो होते हैं जिनके पास बाइक होता है, स्कूटर होता है, टू व्हीलर होता है, तनख्वाह 15 से 20, 25, 30 हजार तक होती है, अक्सर किराए के मकान में रहते हैं, ठीक, समहाउ अपना गुजारा चलाते हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, रोटी कपड़ा मकान इनके पास होता है, लेकिन एक बहुत संघर्षपूर्ण जिंदगी ये लोग जी रहे होते हैं। पुअर क्लास वो है दोस्तों जो हमारा परमार्थ का केंद्र है, ऐसी क्लास
जिनके लिए इस देश में बहुत कुछ होना बाकी है और करने की जरूरत है, वो हमारा परमार्थ का ख्वाब होना चाहिए। पुअर क्लास वो है जिनको अपने रोटी कपड़ा मकान का चैलेंज है, दो वक्त की रोटी की उनकी लड़ाई है। मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि ये जो चारों क्लास है मैंने क्यों बताए। मिडिल क्लास एक पर्टिकुलर रेंज के खरीदती है और रिच क्लास एक अलग तरह के प्रोडक्ट खरीदती है। ये सिर्फ समझाने के लिए लाइनें हैं, डिफाइन करने के लिए कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा होता है। इसमें कोई मैं लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ अंदाजा दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि लोगों का, हमारे कस्टमर का परचेज बिहेवियर और परचेज पावर क्या होती है। जैसे एक उदाहरण देता हूं कि जो लोअर मिडिल क्लास है वो मार्केट में जाके अगर साबुन ढूंढेगी तो शायद 20-1 रुपए का साबुन ढूंढेगी, ऐसे ब्रांड्स के साबुन ढूंढेगी जो 20-25 रुपए का साबुन। मिडिल क्लास थोड़ा और ऊपर चले जाएगी, 40-35 रुपए वाला साबुन ढूंढेगी। रिच क्लास जाएगी वो बहुत ही अल्ट्रा हर्बल और पता नहीं कौन कौन से फीचर वाला 100 रुपए वाला साबुन ढूंढेगी। ओके, तो हर क्लास की अपनी एक अलग परचेज पावर है और आप चूंकि इस बिजनेस में एंटर हो रहे हैं, आप लीडर हैं, आप विजनरी हैं, आप देखना चाहते हैं, तो आप पहले देखेंगे कि क्या ग्लेज इसमें से कौन कौन सी क्लास के लिए प्रोडक्ट बना रही है। ठीक, जिस जिस क्लास के लिए ये कंपनी प्रोडक्ट बना रही है तो हमें बिजनेस उसी क्लास में करना है। ग्लेज की तरफ से मैं आपको बोल देता हूं, ग्लेज बिल्कुल प्रयासरत है और विद इन 5 मंथ और 4 मंथ आपके पास हर क्लास के लिए प्रोडक्ट होगा। विजनरी है, आप मान के चलिए, बेशक मैं बात 4 महीने बाद की कर रहा हूं, पर आप मान के चलिए कि हमारे पास हर क्लास के लिए प्रोडक्ट है। मैं स्टेज से आपको पर्सनली गारंटी दे रहा हूं कि आपको हर क्लास के लिए प्रोडक्ट मिलेंगे। अब अगला स्टेप आता है, लोअर से लेकर और रिच क्लास तक आप सबके, इन सबके लिए आपके पास प्रोडक्ट होगा। मैंने कहा नो योर कस्टमर, समझ में आ गया आपको? इस पर प्रश्न पूछ सकता हूं, नो योर कस्टमर का मतलब यह है कि आपका कस्टमर लोअर मिडिल क्लास से है, मिडिल क्लास से है, अपर मिडिल क्लास से है या रिच क्लास से। ठीक है, मैं आपको एक लोअर मिडिल क्लास से फैमिली से मिलाता हूं। मैं लोअर मिडिल क्लास से इसलिए बोल रहा हूं कि हमें इससे ऊपर के जो लोग हैं ऊपर की क्लास के, वो हमें इनसे ज्यादा बिजनेस देंगे, लेकिन सबसे कम अगर बिजनेस कहीं से आएगा तो कहां से आएगा? लोअर मिडिल क्लास से। आपको यह भी समझना होगा कि जो लोअर मिडिल क्लास की क्वांटिटीज देश में सबसे ज्यादा है, उससे कम क्वांटिटी है मिडिल क्लास की, उससे कम क्वांटिटी है अपर मिडिल क्लास की और उससे कम क्वांटिटी है रिच क्लास की। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप ऐसे समझिए, उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण के लिए समझिएगा कि अगर लोअर मिडिल क्लास की संख्या 1000 है तो मिडिल क्लास की संख्या 500 है, तो अपर मिडिल क्लास की संख्या 100 है तो रिच क्लास की संख्या 10 है। अब लोअर मिडिल क्लास में अगर मुझे बिजनेस करना है, उनकी संख्या 1000 है और मुझे 1000 रुपए कमाने हैं तो मुझे उनके प्रोडक्ट से सिर्फ 1 रुपए का मुनाफा चाहिए, तो मुझे कितने मुनाफा हो जाएगा? 1000 रुपए का। ठीक है, मिडिल क्लास उनसे ज्यादा पैसे रखती है, उनकी संख्या 500 है, अगर मैं उनके प्रोडक्ट से 2 रुपए का मुनाफा रखूंगा तो भी मुझे 1000 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, और जो अपर मिडिल क्लास है जिनकी संख्या 250 है, उनसे अगर मैं 4 रुपए का मुनाफा रखूंगा तो मुझे 1000 रुपए मिल जाएंगे। क्लियर है? और जो रिच क्लास है जिनकी संख्या 10, तो उनसे मुझे 100 रुपया मुनाफा रखना पड़ेगा तो 1000 मिल जाएंगे। और यही मार्केट में दोस्तों होता है, यही मार्केट में क्या होता है?
होता है हमेशा जो रिच क्लास महंगे प्रोडक्ट खरीदती है, चूंकि उनकी क्वांटिटी कम होती है, उनमें कंपनियां मार्जिन ज्यादा रखती हैं, नहीं तो कॉस्ट निकलेगी नहीं। और जो लोअर मिडिल क्लास होती है उन प्रोडक्ट में मार्जिन होते ही नहीं, क्योंकि अगर मार्जिन होंगे तो लोअर मिडिल क्लास खरीद ही नहीं पाएगी। ये वैसे भी एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। तो ऐसा जब ग्लेज भी इन चारों रेंज के प्रोडक्ट लॉन्च करेगी तो आपको उसमें ये देखने को मिलेगा। तो उसमें हमको ये सोचना है कि लोअर मिडिल क्लास की क्वांटिटी ज्यादा है, हम उन्हें सस्ते प्रोडक्ट बेचेंगे तो ज्यादा क्वांटिटी में बिकेगा, हम उससे पैसा कमाएंगे। क्लियर है? तो क्या आपको परचेज पावर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्लियर है? हमारा प्रश्न वही खड़ा हुआ है कि रिटेलर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, इनमें से कौन ज्यादा पैसे कमाता है? डिस्ट्रीब्यूटर कमाता है। जरा कैलकुलेट करें, ये रहा हमारा कस्टमर। कस्टमर हमारा प्रोडक्ट लेता है किससे? रिटेलर से। और रिटेलर लेता है किससे? होलसेलर से। और होलसेलर किससे लेता है? डिस्ट्रीब्यूटर से। और डिस्ट्रीब्यूटर किससे लेता है? मैन्युफैक्चरर से। मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं। इन तीनों में सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाता है? मान लीजिए मैं इस रिटेलर की बात करता हूं, ये जो रिटेलर है, मान लेते हैं इसके पास 100 कस्टमर है। कितने? इस रिटेलर एक दुकानदार है जिसके पास आपके गली में, मोहल्ले में, आसपास किसी बाजार में रिटेलर शॉप्स होती हैं, जहां से आप अपनी रोजमर्रा का सामान खरीदते हैं, अपना राशन पानी खरीदते हैं, उसको रिटेलर कहते हैं। मान लीजिए एक रिटेलर के पास लगभग 100 कस्टमर है। कितने कस्टमर है? अब इनमें से एक कस्टमर है जिनका नाम है राज एंड गीता। राज और गीता की जो फैमिली है, इनके दो बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है, ये चार लोगों का परिवार है। राज एंड गीता एक लोअर मिडिल क्लास से हैं, जिनकी एवरेज आमदन मुश्किल से 15,000 रुपए महीना है। अब राज और गीता हर महीने अपना घर चलाने के लिए जो सामान खरीदते हैं इस रिटेलर से, उस पे एक नजर डालते हैं। आप अपनी अपनी फाइल खोलिए, इस फाइल में आपको राज और गीता के घर का, खरीदे जाने वाला सामान का पूरा लिस्ट दिखाई देगा। इस लिस्ट को पढ़ें जरा एक बारी, और मैं इस लिस्ट को एक बड़े ही हिस्टोरिकल वे में पढ़ूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि एक परिवार की पूरे दिन की, पूरे महीने की जरूरत का सामान क्या क्या होता है। सबसे पहले सुबह राज और गीता जब उठते हैं और उनके बच्चे उठते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? टूथपेस्ट। इस लिस्ट में इसी ऑर्डर में लिखा हुआ है, आप मेरे साथ सहयोग कीजिएगा, ठीक है? सबसे पहले क्या करते हैं? टूथपेस्ट करते हैं। किससे करते हैं? टूथब्रश से करते हैं। उसके बाद वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, वहां पे टॉयलेट का साबुन चाहिए हाथ धोने के लिए। फिर उसके बाद नहाने जाते हैं, नहाने का साबुन या शावर जल। शावर जल कौन इस्तेमाल करेगा? मिडिल क्लास फैमिली। लेकिन साबुन इस्तेमाल करेगी लोअर मिडिल क्लास फैमिली। उसके बाद शैम्पू से नहाएंगे, कंडीशनर लगाएंगे, और फिर सिर पे लगाने के लिए तेल भी चाहिए। उसके बाद राज को शेविंग क्रीम भी चाहिए शेव करने के लिए, आफ्टर शेव चाहिए मुंह पे लगाने के लिए, फेस क्रीम चाहिए मुंह पे लगाने के लिए, टैल्कम पाउडर चाहिए राज को लगाने के लिए, उसको ऑफिस जाना है तो डीओ भी चाहिए लगाने के लिए, और जूतों पे करने के लिए पॉलिश भी चाहिए। फिर उसके बाद राज की पत्नी की बारी आती है। हर वैवाहिक भारतीय नारी थोड़ा सा मिनिमम मेकअप करती ही करती है, जैसे कि वो मुंह पे फाउंडेशन लगाएगी या कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएगी, लिपस्टिक लगाएगी, बिंदी लगाएगी, सिंदूर लगाएगी, नेल पॉलिश लगाएगी, बालों में रबड़ बैंड लगाएगी, और फीमेल फेस क्रीम लगाएगी, फीमेल परफ्यूम और डीओ भी उसको चाहिए।
इसके अलावा बच्चों की बात करें तो बच्चे स्कूल जाते हैं और कोई ऐसा परिवार नहीं है जब बच्चे हर महीने अपने माँ बाप से कुछ ना कुछ डिमांड ना करें। ठीक, क्या डिमांड करते हैं? कॉपी, पेंसिल, रबड़, स्केल, करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सब चाहिए ही चाहिए होता है। इसके अलावा ये तो हो गए इस परिवार के पर्सनल खर्चे जो इनके ऊपर खर्च होने वाला, ये मैंने मिनिमम लिखा है। मिडिल क्लास में जाओगे तो ये लिस्ट डबल हो जाती है और रिच क्लास की तो सोगना हो जाती है, क्योंकि वो तो पता नहीं क्या खरीद लेते हैं। ठीक है, तो मैं मिडिल क्लास तक ही जाता हूँ ना, हम रिच को छेड़ेंगे, इन दोनों क्लास की हम बात नहीं करेंगे, ना रिच क्लास की और ना लोअर क्लास की, हमें बीच वाली क्लास में रहना है। तो उसके बाद आ जाता है होम स्वीट होम। अब घर के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए? सबसे पहले जो गीता है उसे सबके कपड़े धोने, तो लॉन्ड्री में कपड़े धोने का सर्फ, नील, ये सब चाहिए। फिर घर की सफाई करनी है, फ्लोर क्लीनर चाहिए, टॉयलेट क्लीनर चाहिए। इसके बाद किचन में चलते हैं, किचन में बर्तन धोने का साबुन चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, नमक चाहिए, मिर्च चाहिए, हल्दी चाहिए, जीरा चाहिए, धनिया पाउडर चाहिए, गरम मसाला चाहिए, चाट मसाला चाहिए, काला नमक चाहिए, काली मिर्च चाहिए, इलायची चाहिए, लौंग चाहिए, सौंफ चाहिए, मेथी दाना चाहिए, तेज पत्ता चाहिए, कड़ी पत्ता चाहिए, बिस्किट चाहिए, नमकीन चाहिए, ड्राई फ्रूट चाहिए, धूप चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, माचिस चाहिए, कुकिंग ऑयल चाहिए, हींग चाहिए, चीनी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? इसके अलावा आटा चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, दूध चाहिए, मक्खन चाहिए, सब्जियां चाहिए, ब्रेड चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? ये तो वो हो गए। अगर आप इन सब प्रोडक्ट पे गौर फरमाएंगे तो ये वो सारे प्रोडक्ट हैं जो कंज्यूमेबल हैं। इन्हें हम बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, यानी कि जो प्रोडक्ट बार बार खत्म होते हैं, बार बार लाने पड़ते हैं, हर महीने हर बार। प्रोडक्ट को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं ड्यूरेबल्स। ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट वो होते हैं जिन्हें एक बार खरीदो तो 5, 7, 10, 15 साल की छुट्टी। जैसे घर में अलमारी खरीद ली, जैसे आपने फ्रिज खरीद लिया, जैसे आपने गैस का चूल्हा खरीद लिया, जैसे आपने सोफे खरीद लिए, आपने कुर्सी खरीद ली, आपने स्कूटर खरीद लिया, ये सब ड्यूरेबल गुड्स हैं। क्या कौन से गुड हैं? और दूसरे गुड मैंने आपको बताए FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड। एक होते हैं तीसरी कैटेगरी जिसे कहते हैं स्लो कंज्यूमिंग गुड्स, या हम उन्हें बोलते हैं कंज्यूमेबल ड्यूरेबल गुड्स। जैसे आप घर में कांच के गिलास लाते हैं, टूट जाता है, हर महीने कोई ना कोई ऐसी डिमांड खड़ी होती है ना, गिलास टूट गए, कप टूट गई, प्लेट टूट गई, चाय पोनी चाहिए, होते कि नहीं होती है? टूथब्रश लाना पड़ेगा, शू पॉलिश का ब्रश खराब हो गया है, हेयर ब्रश खराब हो गया है, रेजर जो आप जिससे आप शेव करते हैं, ब्लेड, चप्पल चाहिए, जूते चाहिए, बच्चों के कपड़े चाहिए, सर्दी के कपड़े चाहिए, बर्तन धोने का स्क्वैश होता है जिससे वो साफ करते हैं वो चाहिए, चम्मच, चाय पोनी, कप प्लेट, कांच का ग्लास, कैंची, चाकू, टावल, गमछा, धोती, पूजा का सामान, बच्चों की स्कूल की ड्रेस, चकना और बेलना। अब ये जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपको बताए, आप आराम से बैठकर जो लोअर मिडिल क्लास जिस प्रकार के प्रोडक्ट खरीदती है, आप उसका बजट निकाल लीजिएगा। आप देखेंगे कि कोई भी ऐसी लोअर मिडिल क्लास फैमिली नहीं है जिसका ये सारा बजट मिला के 4,000 के पार नहीं जाता। इस 4,000 में से अगर मैं सब्जी और दूध और आटा दाल चावल को निकाल दूं तो भी ये 2,500 का बजट है। 2 से 2,500 जाएगा ही जाएगा। यस और नो? जाता कि नहीं जाता? अब अगर हम अगर ग्लेज के पास उनकी जरूरत के सारे प्रोडक्ट हो और उसी कीमत पे हो जिससे वो बाजार में लेते हैं और उसी क्वालिटी के हो जिस जो वो बाजार में लेते हो, तो एक लीडर जो विजनरी लीडर है वो ये सोचेगा कि मैं क्या इस कस्टमर को ग्लेज पे शिफ्ट कर सकता हूं। Yes, sir! Yes, sir! Oh, yeah.
यकीन मानिए, जब मैं असली बात बताऊंगा तो आप खड़े होके ताली बजाएंगे। अभी मैं पहुंचा नहीं हूं जहां मुझे पहुंचना है। तो ये जो राज और गीता है, हमने ये सब इस बात पे एग्री करते हैं कि ये कम से कम 2,500 रुपए का, या चलो थोड़ा और नीचे ले आते, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, 2,000 ले लेते, ठीक है? ठीक है, ये 2,000 रुपए का सामान इस रिटेलर से खरीदते हैं। कोई डाउट है? नोट कर लीजिए, एग्जाम में प्रश्न आने वाला है। अगर ये 2,000 रुपए का सामान इस रिटेलर से खरीदते हैं तो अब देखते हैं हमारा रिटेलर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर इसकी इस परचेजिंग से क्या कमाता है। देखें, पहले हम रिटेलर की इनकम देखते हैं। रिटेलर की इनकम के लिए मैं आपको बता देता हूं कि लोअर मिडिल क्लास में रिटेलर के पास 10% तक का मार्जिन होता है। होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. मान लीजिए इस रिटेलर के पास 10% का मार्जिन है और होलसेलर के पास सिर्फ 3% का मार्जिन है और डिस्ट्रीब्यूटर के पास सिर्फ 1% का मार्जिन है। रिटेलर के पास कितना मार्जिन है? 10%। होलसेलर के पास कितना मार्जिन है? 3%। और डिस्ट्रीब्यूटर के पास कितना मार्जिन है? 2%। तो सबसे ज्यादा मार्जिन किसके पास है? रिटेलर। और सबसे कम मार्जिन किसके पास है? डिस्ट्रीब्यूटर के पास। सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाएगा? डिस्ट्रीब्यूटर। और सबसे कम कौन कमाएगा? रिटेलर। आप सब बड़े इंटेलिजेंट है, चलो देख भी लेते हैं। तो रिटेलर की इनकम, नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं रिटेलर के पास और हर कस्टमर की जो परचेज है वो कितने की है? 2,000। जो मैं मान के चल रहा हूं, कस्टमर परचेज 2,000 है। तो ये 100 लोग अगर 2,000 रुपए का सामान लेते हैं, 2,00,000। तो जो हाँ जी, 2,00,000। वेरी गुड। तो इसका मतलब जो टर्नओवर है वो कितने की हुई? 2,00,000 रुपए की। किसकी? रिटेलर का। रिटेलर की, रिटेलर की जो टर्नओवर है 2,00,000 रुपए है। तो और प्रॉफिट अगर मैं 10% के हिसाब से लूं तो कितना हुआ? 20,000 रुपए। तो ये रिटेलर मंथली 20,000 रुपए कमाता है इन 100 कस्टमर से, ठीक है? अब मैं आपको होलसेलर की इनकम दिखा रहा हूं। होलसेलर का मार्जिन कितना है? 3%। इसका कितना था? 10%। तो होलसेलर का मार्जिन देखते हैं। मान लीजिए कि एक होलसेलर के पास 50 रिटेलर है। कितने रिटेलर हैं? 50। नंबर ऑफ रिटेलर कितने हैं उसके पास? 50। अगर रिटेलर 50 हैं तो हर रिटेलर के पास कस्टमर कितने हैं? 100। तो होलसेलर के पास कितने कस्टमर हुए? 5,000। बताइए, 5,000। एक रिटेलर के पास 100 कस्टमर हैं और एक होलसेलर के पास 50 रिटेलर हैं, तो होलसेलर के कस्टमर कितने हो गए? 50 × 100, 5,000। तो नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं दोस्तों? 5,000। और एक कस्टमर की जो मंथली परचेज है वो कितनी है? 2,000। 5,000 कस्टमर, 2,000 की परचेज, एक होलसेलर की टर्नओवर कितनी हुई? 1,00,000। ये 1,00,000 की टर्नओवर हुई और एवरेज प्रॉफिट कितना है? 3%। कितना हुआ? तो होलसेलर 3,00,000 रुपए कमाता है और आपका रिटेलर
सिर्फ 20,000 रुपए कमाता है। अब इसमें कोई पूछने वाला सवाल नहीं है कि इसकी वजह बहुत सिंपल है कि एक होलसेलर के अपने रिटेलर के थ्रू 5,000 कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंच रहा है। ठीक है, अब मैं आता हूं डिस्ट्रीब्यूटर पे। डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन कितना है? सिर्फ 1%। अब एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास नंबर ऑफ होलसेलर है मान लीजिए सिर्फ 25। 25 होलसेलर है इसके पास, तो नंबर ऑफ रिटेलर कितने होंगे इनके पास? कौन बताएगा? एक होलसेलर के पास कितने रिटेलर हैं? एक होलसेलर के पास कितने रिटेलर हैं? 50। तो 25 × 50, तो नंबर ऑफ रिटेलर इसके पास आ गए 1250, और नंबर ऑफ कस्टमर कितने हो जाएंगे? 1250 × 100, 1,25,000 कस्टमर किसके पास हैं? 1,25,000 कस्टमर किसके पास हैं? डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अब फिर से ये वाली टेबल बना लेते हैं। तो कितने कस्टमर है हमारे पास? 1,25,000 कस्टमर हैं, और हर कस्टमर कितने की परचेज कर रहा है? 2,000 रुपए की। तो टर्नओवर कितनी हुई? 250, और उसके बाद लगा दी 25 करोड़ की टर्नओवर मंथली, और 25 करोड़ का 1% प्रॉफिट कितना हुआ? 25 लाख। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है ना बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है दोस्तों। ये है ट्रेडिशनल सिस्टम। ये लीडर ने देखा कि ट्रेडिशनल सिस्टम में जो कस्टमर है उससे एक डिस्ट्रीब्यूटर कितना पैसा कमाता है, एक होलसेलर कितना कमाता है, और एक रिटेलर कितना कमाता है। तो लीडर ने ये देखा कि अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो उसकी ताकत कहां छुपी है? नंबर ऑफ कस्टमर्स में, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में नहीं। तो अगर मुझे रईस बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रिटेलर बनना पड़ेगा या होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर? डिस्ट्रीब्यूटर। तो अब अगला सवाल, क्या ग्लेज में जो ग्लेज का बिजनेस प्लान है, ग्लेज के जो प्रोडक्ट हैं, ग्लेज के जो सिस्टम्स हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग है, उसके अंदर मैं घुस के इस सिस्टम को रिप्लेस करके बड़ा पैसा कमा सकता हूं? यस, ये भी विजन का मामला है। तो अब दोनों को कंपेयर करने की जरूरत है, ट्रेडिशनल में और डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि लीडर को दोनों रास्ते दिखाई दे रहे हैं। पैसा यहां भी कमाया जा सकता है, पैसा वहां भी कमाया जा सकता है, तो क्यों ना इनको कंपेयर किया जाए। करेंगे कंपेयर मेरे साथ? ओके, चलिए कंपेयर करते हैं। तो हम कंपैरिजन करते हैं। एक तरफ है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में भी अगर मुझे रिच होना है तो मेरा गोल क्या है? 1,25,000 कस्टमर, और ग्लेज में भी मुझे रिच होना है तो मेरा सेम ही टारगेट है, 1,25,000 कस्टमर। अब इन दो रस्तों में कंपैरिजन करना है। यहां अगर मुझे ट्रेडिशनल प्लान में 1,25,000 कस्टमर करने हैं तो मुझे क्या करना होगा, अब ये आपके साथ डिस्कस करूंगा। बताइए सर, एक तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए। क्या आप एग्री करते हैं बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए? अब मेरा सवाल है कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए? करोड़ों में, लाखों में, करोड़ों में। कितना? करोड़ों में सर। 1,25,000
कस्टमर का सामान आपको डे वन पे रखना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस सर। बड़ी बड़ी कंपनियों से जब आप डील करने जाएंगे तो आपको 1,25,000 कस्टमर मंथली, यानी क्या हुआ 1,25,000 कस्टमर का सामान खरीदने के लिए कितना पैसा जेब में चाहिए? 2,000 से मल्टीप्लाई कर दो भाई लोगों, 25 करोड़ रुपए का तो आपको कम से कम, मोटा माटी बात कर रहा हूं, 25 करोड़ की तो आपको इन्वेंट्री चाहिए। तो पहली चाहिए इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट चाहिए किसके लिए? माल खरीदने के लिए। और उसके बाद आप 25 करोड़ लेके जेब में बैठ भी जाएं, जरूरी नहीं आप बड़ी बड़ी कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दें, ठीक? तो चलो हम मान लेते हैं वो आप पे बड़ी उदार है और आपको दे दी उन्होंने 25 करोड़ रुपए, तो आपको उसके लिए चाहिए। फिर खाली क्या माल चाहिए? इतने बड़े माल को संभालने के लिए आपको क्या चाहिए? वेयर हाउस चाहिए, शॉप चाहिए, शोरूम चाहिए, कुछ भी कह लीजिए। और सुभाष आप क्या कहना चाहते हैं? इसके साथ ही सर, उस माल को फैलाने के लिए जो मुझे डिस्ट्रीब्यूटर का चैनल बनाना होगा, माल को फैलाने के लिए जगह जगह माल पहुंचे, उसके लिए मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर चैनल हो। बहुत अच्छी बात बोली सुभाष ने। इसके अलावा मुझे एक नेटवर्क चाहिए। किस, कौन सा नेटवर्क? होलसेलर का और रिटेलर का, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटर चैनल कहते हैं। यानी अभी जो मैंने बात की थी कि एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास 25 होलसेलर, हर होलसेलर के पास 50 रिटेलर चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। हर रिटेलर के पास 100 कस्टमर, तो ये सारे लिंक स्थापित करने पड़ेंगे, नहीं तो 25 करोड़ का माल तो ले आओगे, उसको भेजोगे कहां? तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक नेटवर्क स्टैब्लिश करना पड़ेगा, उन तक माल पहुंचाना पड़ेगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन का भी मदद लेनी पड़ेगी। आगे बोलो सुभाष, कुछ और कहना चाहते हो? जी सर, जो बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है उसके लिए मेरे पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बहुत अच्छा, आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, क्योंकि क्या इस बिजनेस में रिस्क है कि नहीं है, बताइए जरा। यस सर। 25 करोड़ रुपए लगाने के बाद रिस्क है कि नहीं है? यस। बताइए कितने का रिस्क है? पूरे 25 के 25 करोड़ का रिस्क है कि नहीं है? यस। अगर आपको अनुभव नहीं है, एक बार फील करके देखिए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए आपकी जेब में 25 करोड़ पड़े हैं और आपको कोई बोले बन जाओ डिस्ट्रीब्यूटर, कितने लोग हैं जो हिम्मत जुटाएंगे? वो हिम्मत इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आप जानते ही नहीं है ये काम होता कैसे है, क्या चैलेंज है, क्या करना पड़ेगा, कैसे होलसेलर को मनाऊंगा, कैसे रिटेलर तक पहुंचूंगा। क्योंकि एक और चैलेंज है इसके अंदर जो मैं अपने पास से ऐड कर देता हूं, वो है कंपटीशन। जिन होलसेलर्स के पास, जिन रिटेलर के पास जाएंगे, वहां तो कोई और डिस्ट्रीब्यूटर अपना माल भेज रहा है, तुम अपनी जगह कैसे बनाओगे? ये चैलेंज है कि नहीं है? यस। ठीक, तो अगर आपके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तभी आप इस कंपटीशन से लड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं लड़ सकते। और बहुत बड़ा रिस्क है कि आप डूब जाएंगे। और सुभाष क्या कहना चाहते हैं? टाइम लगाना पड़ेगा। टाइम, बहुत बढ़िया। दुनिया में कोई बिजनेस नहीं है जो टाइम नहीं मांगता, और टाइम भी कैसा चाहिए? फुल टाइम। अब फुल टाइम की बिजनेस में क्या डेफिनेशन है, आप मुझे खुद सोच के बताइए। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो जिसके पास 25 करोड़ का माल पड़ा हो, कितने बजे जाओगे अपनी दुकान पे सुबह सुबह? सुबह कितने बजे जाएंगे आप, और रात कब वापिस आएंगे? तो इन लोगों के पास फाइनेंशियल फ्रीडम होता है लेकिन टाइम फ्रीडम नहीं होता, और टाइम फ्रीडम नहीं होता तो पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन खुशियों का गला घुट जाता है, ठीक? तो इस तरह के बिजनेस में फुल टाइम चाहिए, एएम टू पीएम, सुबह से रात हो जाएगी, फुर्सत नहीं मिलेगी। वेरी गुड सुभाष, बहुत बढ़िया। और बताओ क्या है आपके पास पिटारे में? हार्डवर्क। हार्डवर्क ऑफकोर्स वो इसी का पार्ट है, बहुत मेहनत चाहिए।
सुभाष जी के लिए क्लैपिंग। कोई और कुछ इसमें ऐड करना चाहता है? संसाधन। साधन, साधन को कैसे डिफाइन करेंगे आप? आपने बोला बिल्कुल सही है, डिटेल में बताइए। साधन ट्रांसपोर्ट, जैसे 1,25,000 कस्टमर है, उन कस्टमर को कैसे माल लाना ले जाना, ट्रांसपोर्टिंग का काम तो संसाधन चाहिए। और फिर रखने का पूरा मैनेजमेंट, हाँ वो सब लिखा, वेयर हाउस सारा रखने का। और कुछ अलग से बताना चाहते हैं? स्टाफ, बहुत बढ़िया बोला आपने कि स्टाफ भी चाहिए। 25 करोड़ रुपया लगाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि क्या आएगा। हर महीना ऐसा हम देखे हैं सर, अभी देख रहे हैं तत्काल, पहले भी देख रहे थे, अभी भी देख रहे हैं कि 25-25 करोड़ रुपया लगा के, 10-10 करोड़ रुपया लगा के, और महीने का 1-2 लाख, 3-3 लाख रुपया लॉस में जा रहा है। यानी जैसे स्टाफ खर्च हो गया, दुकान खर्च हो गया, बिजली खर्च हो गया, बहुत सारा खर्च है। जैसे ये चूहा काट दिया तो वो ये हो गया, बहुत सारा चीज़ है सर। इतना गारंटी, मैंने इतना रिस्क है इसमें, बाहर के बिजनेस में हम कर रखे हैं सर बहुत सारा बिजनेस, मतलब बोलने का जरूरत नहीं सर। 90% लोग फेल हो जाता बाहर के दुनिया में। एक डायरेक्ट मार्केटिंग ही एक ऐसा मतलब जगह है जो कि चाहेगा सर 100 में 100 लोग कामयाब हो जाएगा। वेरी गुड, क्या बात है। वंस यू आर लीडर ऑलवेज लीडर। एक बार आप लीडर हैं तो हमेशा लीडर हैं। देखो ये पॉजिटिव ऊर्जा का कमाल है कि कैसे पॉजिटिव तरीके से उन्होंने बात को रखा जनार्दन ने। ये बिल्कुल सही है कि कुछ ऐसे अनसीन चीजें होती हैं जो आपको बिजनेस शुरू करने के बाद पता चलती हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस कर रखा है, अनुभव कर रखा है। तो ये सच है, 100 ऐसी अनसीन चीजें आती हैं। कभी हो गया कि अचानक सामान का भाव गिर गया, कभी उठ गया, कभी चूहा लग गया। एक इसमें और इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है उधार। कंपनियां आपको उधार देंगी नहीं और आपको आगे उधार देना पड़ेगा। रिटेलर आपके पास आएगा कि जब सेल हो जाएगी जी मैं आपको देने आ जाऊंगा पैसे। रिटेलर मांगता है उधार होलसेलर से, होलसेलर उधार मांगता है किससे? डिस्ट्रीब्यूटर से। तो डिस्ट्रीब्यूटर का एक बहुत बड़ा पैसा घूमने में बाजार में लगा ही रहता है। तो बड़ी वर्किंग कैपिटल इसमें चाहिए होती है। कहने को आपको 25 करोड़ दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा पैसा उधार में फंसा रहता है और वो बहुत बड़ा रिस्क रहता है। ठीक है, तो ये था ट्रेडिशनल प्लान। तो ग्लेज में जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है? 0 और फ्लेक्सिबल। जितना आपने करना है उतना आप माल खरीदो, जितना बिक जाता है बेचो, फिर और खरीदो, फिर बेचो, फिर खरीदो, फिर बेचो। यानी कि ये चीज आपका रिस्क क्या कर देती है? 0। मैं यहीं से चलता हूं, चलो रिस्क मैं यहां 0 लिख देता हूं। वेयर हाउस में कौन सी जगह यूज होगी? आपका घर। एक्सपीरियंस कहां से मिलेगा? ग्लेज सिखाएगी। कौन सिखाएगा? ग्लेज, अपलाइन, लीडर, सब आपके सपोर्ट में लगे रहेंगे। यहां क्या है? कंपटीशन। यहां क्या है? कॉपरेशन। या हम कामना करते हैं कि हमारी डाउनलाइन जो है भगवान इतनी अच्छी दे, मुझसे भी ज्यादा 100 गुना क्या हो? गुणी हो, मुझसे भी ज्यादा कैपेबल हो, भगवान ऐसी मुझे डाउनलाइन दे। मगर बाहर की दुनिया में ऐसे कोई कामना नहीं करता। ठीक, तो हमारा बिजनेस कॉपरेशन का है। जब कोई व्यक्ति यहां काम करना शुरू करता है, पूरी टीम उसको सपोर्ट करती है, सारी अपलाइन उसको सपोर्ट करती है, ग्लेज कंपनी का एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको हेल्प करता है।
अगर किसी व्यक्ति में इच्छा शक्ति है, जैसे जनार्दन कह रहे थे अभी, तो जितनी सपोर्ट और जितनी हेल्प और जितनी ट्रेनिंग और जितना अनुभव और जितना ज्ञान आपको ग्लेज में मिलेगा, इतना कहीं मिलेगा ही नहीं। ठीक, आपको सिर्फ एक ही चीज की इन्वेस्टमेंट करनी है ग्लेज में, और उसका नाम है हार्डवर्क। बाकी सब कुछ यहीं मिल जाएगा। नेक्स्ट, टाइम। टाइम इस बिजनेस में भी देना पड़ता है, लेकिन टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी इच्छा पे है कि आप कितना टाइम देना चाहते हैं। साधन, ऑफ कोर्स इसमें एक ही साधन चाहिए, आपकी पर्सनल बाइक। अभी ये जो कंपैरिजन मैं यहां दिखा रहा हूं, ये ठीक से दिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक हम अपॉर्चुनिटी की गहराई में नहीं जाएंगे तो समझ नहीं आएगा कि ग्लेज में भी और क्या क्या लिखना बाकी है। तो मैं अभी उस पर आऊंगा। लेकिन एक विजनरी लीडर कंपेयर करता है कि मैं ग्लेज में काम करूं या ट्रेडिशनल मार्केट में जाऊं, जहां इतना बड़ा कुछ स्टेक में है। दिस इज टू गुड टू बिलीव, ये बहुत ज्यादा अच्छा विश्वास करने के लिए। अब चूंकि ये इतना अच्छा है, तो उसके लिए जो सीरियसनेस चाहिए, जो कीमत यहां दी नहीं है, वो लोगों को सीरियस होने नहीं देती। अगर एक बार आदमी के 25 करोड़ क्या 25 लाख भी लगे हों, तो जितना सीरियस हो जाता है, अगर उसका 10% भी कोई ग्लेज में सीरियस हो जाए, तो बिल्कुल जनार्दन ने ठीक बोला है कि 100 में से 100 लोग कामयाब हो जाएंगे। आगे चलें। तो ट्रेडिशनल और ग्लेज में क्या चुनेगा लीडर? ग्लेज चुनेगा।